सेल्फ एम्प्लॉयड और एंटरप्रेन्योर मतलब उद्योजक, इसमें क्या फर्क है वो हम आज जान लेते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति वैली महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको लगता है कि अपन बिजनेस कर रहे हैं, मगर एक्चुअली वो व्यक्ति खुद चालक खुद मालक रहता है। उसके पास में एक आधा आदमी रहता है शटर खोलने के लिए, या कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के पास में आदमी भी नहीं है, खुद शटर खोलते हैं, खुद बंद करते हैं, कर रहे बिजनेस, मगर एक्चुअली वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। खुद दुकान पे जाते हैं, खुद दुकान खोलेंगे, खुद बैठेंगे, दिन भर खुद काम करेंगे, गल्ला खुद संभालेंगे, मार्केटिंग खुद करेंगे, सेल्स खुद करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे और वो धंधा करते जाएंगे। बोलते हम बिजनेस कर रहे हैं, एक्चुअली वो बिजनेस नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। एंटरप्रेन्योर आदमी जो रहता है वो क्या करता है, वो खुद काम नहीं करता। एंटरप्रेन्योर जो उद्योजक जो है उसका काम है सपने देखना और रिस्क लेना। तो एक कंपनी जो है वो कंपनी और एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है उसमें क्या फर्क है वो हम देखेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी जो है वो एक डरा हुआ इंसान रहता है, वो बहुत ही मतलब हरदम वो एक डर के अंदर जीते रहता है, क्या होगा क्या नहीं, अकेला है ना। इसलिए एक कंपनी है, एंटरप्रेन्योर है, उसके पास में कंपनी है तो उसके पास में लोग है, तो वहां कोई डरा हुआ नहीं है, क्योंकि वहां उसके पास में टीम है, उसके साथ में वो काम करते रहता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास में क्या होता है, ओनर डिपेंडेंसी है, मतलब मालिक जो है उसके ऊपर सब डिपेंडेंट है, एवरीथिंग, मतलब झाड़ू भी मारना है तो कैसा मारना, कौन सा मारना, झाड़ू खरीदना है तो कैसा खरीदना, ओनर तय करेगा। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में सिस्टम रहती है, वो सिस्टम देखती है कि कौन सा झाड़ू लगाना, कब लगाना, कौन सा झाड़ू खरीदना, वो सिस्टम देखेगी, मालक को देखना नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट होता है कि इसमें कॉम्पिटिशन फियर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, सेल्फ डिपेंडेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो उसके कॉम्पिटिशन फियर, इसलिए फिर क्या करता है, वो किसी को सिखाता नहीं, वो खुद सब कुछ अकेला करेगा। उसको लगता है कि मैं किसको सिखाऊंगा, और मेरे से फूट गया और उसने अपने सामने दुकान डाला तो फिर वो किसी को सिखाएगा नहीं, कंटिन्यूस खुद ही काम करते रहता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ कंपटीशन फियर है नहीं है बिजनेस में, क्योंकि वहां सिस्टम है, वहां टीम है, स्किल लोग है, और वहां कंपटीशन है नहीं है। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, वो इमोशनली ड्रिवन डिसीजंस लेता है, मतलब क्या है, इमोशंस, उसको अच्छा लगा तो डिसीजन लेगा, बुरा लगा तो लेगा नहीं, उसके मूड के ऊपर कंपनी चलती है। अकेला आदमी जब रहता है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, मूड जैसा ऐसी कंपनी चलेगी, आक्रामक है तो अलग दिखेगा, बहुत ही निगेटिव समझे खादा कुछ हो गया तो उसके बाद में फिर निगेटिविटी काफी आ जाएंगी, तो ये सब इमोशनली ड्रिवन होता है। यहाँ जो है एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करता है कंपनी में, वो सिस्टम ड्रिवन होता है, सिस्टम चलती है, वहां कोई मूड फीलिंग्स का कुछ मतलब वहां निकलता नहीं है। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है वो वर्ड ऑफ माउथ से ऑपरेट, मतलब उसके एडवर्टाइजमेंट होते हैं वर्ड ऑफ माउथ से होती है, पर्सन टू पर्सन, जब वो वर्ड ऑफ माउथ से होती है वो करते रहता है। यहाँ क्या होता है कंपनी में सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वापरी जाती है और उससे उनका ग्रोथ होते रहता है। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड की एक खासियत है, वो खासियत है कि मुझे सब आता है, मैं होशियार हूँ, मेरे को सब मालूम है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जो एंटरप्रेन्योर रहता है बोलता है कि आई एम अराइविंग, मैं सीख रहा हूँ, और वो नए फंडे लगाता है, फंडे सीखते जाता है, नई चीजें लाता है, चेंज लाता है, और वो कंपनी ग्रो करते रहता है। सेल्फ एम्प्लॉयड ऑन दिस साइड वो है वर्क, वो काम कैसा करता है, वो निसर्ग के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ काम करते रहता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि बोलता है कि नहीं, मेरे पास मुझे बहुत पैसा आ जाएगा ना तो फिर मैं आदमी लगाऊंगा, फिर मैं सिस्टम लगाऊंगा, फिर सब कुछ करूंगा। जो एंटरप्रेन्योर है कंपनी जो है बोलता नहीं, मैं पहले आदमी लाऊंगा और बाद में मुझे वो आदमी कैसे कमा के देंगे। नेचर क्या बोलता है, नेचर बोलता है कि जैसा आप बोएंगे वैसा आपको फल मिलेगा, तो पहले देना पड़ता है बाद में आपको मिलता है, ऐसा नेचर बोलता है। तो वो हिसाब से वो एंटरप्रेन्योर काम करेगा। ये क्या बोलता है, नहीं मेरे को पहले मिलना चाहिए पैसा, बाद में फिर मैं लोग लाऊंगा, तो ऐसा नहीं चलते रहता है। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वो खुद सोचता है कि कंपनी कैसी बढ़ेगी, अकेला आदमी रहता है, वो अकेला आदमी सोचता रहता है कि कंपनी कैसी बढ़ेगी। जब कंपनी है तो कंपनी के पास में टीम है, तो वहां के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि ये कंपनी कैसी बढ़ेगी। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है कि एक्शन कंसिस्टेंसी इज लो,
मतलब क्या, वो कभी सेल्स में जाएंगे तो बाकी डिपार्टमेंट मार खाएंगे, कभी मार्केटिंग में जाएंगे तो बाकी डिपार्टमेंट मार खाएंगे, कभी अकाउंट में घुसेंगे तो बाकी डिपार्टमेंट मार खाएंगे। तो सतत नहीं रहे, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है सेल्स में, मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है, बीच में फिर वहां गैप आ जाएगी। वो अकाउंट में वहां घुस गया तो मार्केटिंग में गैप आ जाएंगे। कंपनी में क्या है, कंपनी में स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, तो सब डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली काम करते रहते हैं, तो एक्शन कंसिस्टेंसी इज वेरी हाई, तो वो वहां संभव है। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि वो वहां रिजल्ट एफिशिएंसी इज लो, अकेला आदमी कितना रिजल्ट लाएगा, यहां तो एक टीम है तो रिजल्ट एफिशिएंसी इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई रहती है। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि वो हरदम फायर फाइटिंग मोड में रहता है, मतलब प्रॉब्लम आ गया, फायर हो गई, फाइट करो, फायर हो गई, फाइट करो, फायर हो गया, फाइट, उसके पास में सिर्फ फायर फाइटिंग ही रहता है, सर्वाइवल रहता है। कंपनी में क्या रहता है, दे आर ऑलवेज इन अ ग्रोथ मोड, हरदम ग्रो कैसे करना हो सोचते रहते हैं। तो ऐसे ये डिपेंड, सेल्फ डिपेंडिंग जो पर्सन है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो है। और हमने देखा दूसरी जगह एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब धंधे वाला, बिजनेसमैन, उद्योजक, तो वो कैसे काम करता है या कंपनी कैसे काम करती है वो देखा। तो ये अभी आपको देख के डेफिनेटली ये लगाऊंगा कि मैं अकेला अकेला आदमी काम करके या सेल्फ एम्प्लॉयड रह के कंपनी बड़ी नहीं कर सकता। कंपनी 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, 1000 करोड़ की नहीं हो सकती अकेला आदमी काम कर रहा है तो, कुछ क्योंकि उसके लिमिटेशंस है। बहुत ज्यादा बड़ी टीम है और वो एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेसमैन है, तो वो कंपनी 10 करोड़ की हो सकती है, 100 करोड़ की हो सकती है, 1000 करोड़ की, कितने भी 1000 करोड़ की हो सकती है, वो संभव है। तो वे आपको अच्छा लगा तो सभी बिजनेसमैन को वीडियो शेयर करो, ताकि वो बिजनेसमैन बन जाएंगे, वो एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको भी शेयर करो, उनको मालूम पड़ेगा कि अकेला अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता, उसके लिए टीम चाहिए, तो वो अपने बिजनेसमैन बनके उसमें जो भी खामियां हैं वो पूरी करेंगे। वो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।